मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। राजस्थान में लगातार बारिश और आंधी का कहर जारी है। शनिवार को चौथे दिन भी बारिश का कहर कई जिलों में देखने को मिला। तूफानी बारिश की वजह से जान और माल दोनों का काफी ज्यादा नुकसान हुआ है और खबर यह भी आ रही है कि आंधी तूफान की वजह से प्रदेश में 17 से अधिक लोगों की मौत भी हो गई है। और अब बड़ी खबर यह है, आंधी तूफान व बारिश से हुए नुकसान को देखते हुए सरकार ने एक राहत भरा फैसला किया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने ऐलान किया है, जहां सीएम गहलोत ने सभी मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। मालूम हो कि बारिश के बाद आई तबाही के बाद अकेले टोंक जिले में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, जहां 12 लोगों की मौत हो गई है। और आपको बता दूं, टोंक से विधायक सचिन पायलट ने गुरुवार को ही आपदा राहत मंत्री गोविंद राम मेघवाल को मृतकों को मुआवजा देने की मांग करते हुए पत्र भी लिखा था। अब सरकार ने फैसला किया है, तूफान से मरने वालों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए गहलोत सरकार देगी। खुद सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट करके मुआवजे की घोषणा की है। साथ ही में गहलोत ने कहा है कि प्रदेश के कई जिलों में आए आंधी तूफान व बारिश से नुकसान का आकलन किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार पीड़ितों को हर संभव सहायता करेगी। बड़ी खबर यह है, राजस्थान में तूफान से मौत पर मुआवजा घोषित हो गया है। सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। मृतक परिजनों को 5-5 लाख रुपए सहायता राशि दी जाएगी। आंधी तूफान बारिश से जो नुकसान हुआ है उसका भी आकलन किया जा रहा है।